दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब होने के साथ साथ इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने मजहब के तौर पर इस्लाम को ही पसंद कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ पैसा और सस्ती शोहरत के लिए अपना ईमान बेच दिया बल्कि मुसलमान से काफिर बन गए। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। बदकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि इस्लाम में आने के बाद हर इंसान खुशकिस्मत हो जाता है, तो इसीलिए इस्लाम को छोड़ने वाले बदकिस्मत हो गए। तो नंबर एक पर आता है तस्लीमा नसरीन का नाम। तस्लीमा नसरीन 1962 के दौरान मशरिकी पाकिस्तान में पैदा हुई, जो कि इस वक्त बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश के एक मशहूर राइटर भी रही है। इनका ताल्लुक भी एक मुसलमान घराने से ही था, लेकिन फिर अचानक ये इस्लाम को छोड़कर लादीन हो गई, यानी एथिस्ट हो गई। इसके बाद उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ किताबें लिखना शुरू कर दी। ताहम दुनिया के कई मुल्कों में आज इनकी किताबें बैन हैं और बांग्लादेश हुकूमत ने इनको अपनी रियासत से जिला वतन कर रखा है, और अब ये हिंदुस्तान में कयाम पजीर है, यानी हिंदुस्तान में इसने पना ली है, और यहीं पर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलती है। इन लोगों के अलावा भी कुछ मशहूर लोग ऐसे भी हैं जो या तो दीन इस्लाम को छोड़ चुके हैं या इनके दीन का अभी तक किसी को कोई अता पता नहीं है। नंबर दो, नरगिस दत्त, बॉलीवुड अदाकार। संजय दत्त की वालिदा नरगिस दत्त का शुमार अपने दौर की सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर अदाकारों में किया जाता है। वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती थी, जिनको अपने साथ काम करने वाले एक हिंदू अदाकार यानी एक सुपरस्टार सुनील दत्त से एक दिन प्यार हो गया। कहा जाता है कि एक बार फिल्म के सेट पर आग लग गई और सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस दत्त को आग से बचाया था। यही वाकया इन दोनों की शादी की वजह बना। शादी के बाद नरगिस दत्त ने न सिर्फ अपना मजहब इस्लाम को छोड़ दिया बल्कि अपना नाम तब्दील करके निर्मला दत्त रख लिया। नंबर तीन, परवीन बॉबी। 1970 से 80 के दौरान बॉलीवुड में सिर्फ एक ही अदाकार का डंका बजता था, जिनका नाम परवीन बॉबी था। वो फिल्मों में शूट करवाए अपने बोल्ड सीन की वजह से दुनिया भर में जानी जाती थी। परवीन बॉबी का ताल्लुक एक इंतहाई शरीफ पश्तून कबीले से था। इनके वालिद का नाम वलीद मोहम्मद खान था, मगर परवीन बॉबी ने दौलत और शोहरत के लालच में दीन और इज्जत किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं की। पहले तो ये एक हिंदू बन गई, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू मजहब को भी छोड़कर ईसाइयत को अपना लिया। जनवरी 2005 के दौरान परवीन बॉबी अपने ही फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। नंबर चार, फातिमा सना शेख। भारतीय फिल्म दंगल से शोहरत पाने वाली अदाकारा फातिमा सना शेख, इनकी वालिदा एक कश्मीरी मुसलमान है जबकि इनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू है। ना सिर्फ फातिमा का नाम मुसलमानों जैसा रखा गया बल्कि वो बचपन से ही दीन इस्लाम के काफी करीब थी, लेकिन कुछ अरसा पहले फातिमा ने यह ऐलान कर दिया कि इन्हें ना मुसलमान कहा जाए और ना ही हिंदू, क्योंकि इनका दोनों में से ही किसी मजहब में कोई इंटरेस्ट नहीं। नंबर पाँच, जैन मलिक, दोहरे हाजिर के मशहूर तरीन सिंगर जैन मलिक, जिनका ताल्लुक बरतानिया से है। वो एक पाकिस्तानी मुसलमान यासिर मलिक के बेटे हैं। यासिर मलिक ने एक बरतानवी खातून से शादी की, जिसके नतीजे में जैन मलिक के साथ उनकी दो बहनें भी पैदा हुई। जैन मलिक की परवरिश एक आम मुसलमान की तरह हुई। उन्होंने ना सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की बल्कि ये नमाज पढ़ने मस्जिद में भी जाया करते थे। ताहम कुछ अरसा पहले बरतानवी मैगजीन द वॉक को इंटरव्यू देते हुए जैन मलिक ने ये बताया कि अब वह मुसलमान नहीं है। इसके अलावा जैन मलिक एक अमेरिकी मॉडल गिगी हदीद के साथ 6 साल तक बगैर शादी के भी रह चुके हैं, और इनसे इनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हो चुकी है। और अब जैन मलिक खुद को एक एथिस्ट करार देते हैं क्योंकि खुदा के वजूद पर ये यकीन ही नहीं रखते। नंबर छः, बराक हुसैन ओबामा। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका की 20% अवाम ये मानती है कि उपराष्ट्रपति बराक ओबामा क्रिश्चियन नहीं बल्कि मुसलमान हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि बराक ओबामा के आबा व अजदाद मुसलमान थे। ओबामा के वालिद बराक ओबामा सीनियर का ताल्लुक केनिया के एक मुस्लिम फैमिली से था। ताहम
बराक ओबामा ने इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियन बनने को पसंद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पिता बराक हुसैन ओबामा सीनियर किनियाई मुसलमान थे, जबकि उनकी माँ एन डनहम अमेरिकी थी। हालांकि ओबामा कई मौकों पर खुद के ईसाई होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अमेरिकियों के बीच उनके धर्म को लेकर संदेह बरकरार है। नंबर 7, जावेद अख्तर। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार फरहान अख्तर और जोया अख्तर के वालिद जावेद अख्तर एक मशहूर शायर और स्क्रीन राइटर है। 78 साला जावेद अख्तर का ताल्लुक इंडिया से है। इनके वालिद जानिसार अख्तर भी एक मशहूर शायर थे, जबकि इनके दादा का शुमार बर्रे सगीर के मशहूर उलमाए दीन में होता है। अलबत्ता जावेद अख्तर शोहरत के मामले में अपने आबा और अजदाद को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं और इनकी शायरी पूरी दुनिया में अपना एक नुमाया मुकाम रखती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद अख्तर का नाम भले ही मुसलमानों जैसा हो, लेकिन अब वो दीन इस्लाम पर कायम नहीं, यानी अब उनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं। नंबर 8, तिलक रत्ने दिलशान। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान तिलक रत्ने दिलशान से कौन वाकिफ नहीं। क्रिकेट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। 1976 में पैदा होने वाले दिलशान के वालिद तो एक मुसलमान थे, जबकि इनकी वालिदा बुद्ध धर्म की पैरोकार थी। दिलशान की परवरिश एक मुसलमान के तौर पर की गई। उन्होंने ना सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की, बल्कि वो अपने करीबी मस्जिद में इबादत के लिए भी जाया करते थे। इनका हकीकी नाम भी पहले तुआन मोहम्मद दिलशान था और इनको शुरू से ही क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी थी। 16 साल की उम्र में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान उन्होंने अपने कोच की बात मानकर दीन इस्लाम को छोड़कर बौद्ध मत को इख्तियार कर लिया, जो कि श्रीलंका का सरकारी मजहब है। नंबर 9, शम्स पहलवी। शम्स पहलवी ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रजा की बड़ी बहन थी, जिन्होंने अपने वालिदा और अपने बहन के साथ मिलकर ईरान में ही हिजाब और नकाब के खिलाफ तहरीक चलाई। वो मगरिब सोसाइटी से काफ़ी इम्प्रेस थी और ईरान में भी वैसा ही माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। शम्स पहलवी ने साल 1940 में अपने हस्बैंड और बच्चों समेत इस्लाम को छोड़कर ईसाई मजहब को अपना लिया। नंबर 10, अनवर शेख। पाकिस्तान के हाजी अनवर शेख का शुमार भी इन बदनसीबों में होता है, जो कि इस्लाम को छोड़कर काफिर बन गए। अनवर शेख 1928 को पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक कश्मीरी मुसलमान के घर पैदा हुए। यही वजह है कि इनके वालिदैन ने इनका नाम हाजी अनवर शेख रखा था। मगर अनवर शेख ने ना सिर्फ पैसों के लालच में बरतानिया जाना पसंद किया, बल्कि वहाँ पर एक गोरी से शादी की और इस्लाम को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने अपना नाम अनवर शेख से तब्दील करके अनिरुद्ध ज्ञान शिखा रख दिया और इस्लाम के खिलाफ बातें लिखना शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, इन लोगों के अलावा भी कुछ मशहूर लोग ऐसे भी हैं जो या तो दीन इस्लाम को छोड़ चुके हैं या इनके दीन का अभी तक किसी को कोई अता पता नहीं है। खैर दोस्तों, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये 10 लोग जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो इबरत का निशान बन गए। तो प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।